मौर्या से मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बता दें प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत करेंगे जांच। वही नियमित लेन देन की शिकायत पर ये जांच होनी है। मामले में नियुक्ति विभाग के जांच का फैसला लिया है। ज्योति मौर्या के पति ने कई फोरम पर की है शिकायत, तो देखिए आपको जानकारी दे दें, अब जांच की जाएगी और गंभीरता से ये जांच आगे बढ़नी है, क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि उनके पति ने भी कई फोरम पर शिकायत की है। तो ज्योति मौर्या के पति ने कई फोरम पर शिकायत की है, ये बड़ी खबर देखिए बता रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब जो जांच है वो और तेज होगी, ये बड़ी खबर प्रयागराज से है। ज्योति मौर्या के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, एसडीएम ज्योति मौर्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। चंदमणि शुक्ला लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। चंदमणि, लगातार हम देख रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्या पर जो है कार्रवाई लगातार हो रही है और तमाम चीजें भी सामने आई। एक तरफ से उनके पति का कुछ और तर्क है, उनका कुछ और तर्क है, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि अब इस पर जांच जो है और तेज होगी, क्योंकि जो उनके पति हैं उन्होंने कई बार शिकायत की है और लगातार वो देखिए अपना बयान भी दे रहे हैं। जी देखिए, अगर बात करें आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के पुत्रण की, तो इसको लेकर लगातार जो खबरें बनी हुई है, लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं। और जिस तरह से मनीष दुबे जो कथित तौर से ज्योति मौर्य के साथ कहे जा रहे थे कि उनके साथ में उनके वो बॉयफ्रेंड की तरह उनको प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उसको लेकर जहाँ मनीष दुबे की जांच की थी, तमाम कमियां निकलकर सामने आई थी, उसके बाद में अब जो है वो ज्योति मौर्य की जांच होने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी प्रयागराज कमिश्नर के कंधों पर है। और अब देखने वाला होगा कि जांच में कहां से क्या निकल के आता है। वही अगर बात करें मनीष दुबे के प्रकरण में, देखने को मिला था कि विभागीय जांच में उन्हें दोषी पाया गया था और उन पर कार्रवाई भी हुई थी, तो अभी देखने वाला होगा ज्योति मौर्या पर क्या कार्रवाई होती है और क्या वो दोषी पाई जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा कि फिलहाल इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आप बने रहिएगा, फिर से आऊंगी आपके पास।